तो आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, बीबी के साथ, माँ बहन के साथ आइए और दो रोज तक चलने वाले इस मेले को एंजॉय कीजिए। तो घूमना फिरना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ओखला वालों को जब भी ऐसा कुछ ख्याल आता है कि वो अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने के लिए जाएं, तो नज़दीक में उन्हें कभी कोई ऐसी जगह नहीं मिलती जहां वो जाएं, इंजॉय करें और घर वापस लौट आएं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां मैं अभी जिस जगह पर मौजूद हूँ वो अबुल फजल इनकलेम में मिल्ली मॉडल स्कूल का कैंपस है, जहाँ पर 2 दिनों का मेला लगा हुआ है, जी हाँ, कार्निवल लगा हुआ है, जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ आकर इंजॉय कर सकते हैं। तो आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, बीबी के साथ, माँ बहन के साथ आइए और 2 रोज तक चलने वाले इस मेले को एंजॉय कीजिए। मैं आपको बता दूं मिल्ली मॉडल स्कूल एग्जैक्ट है कहाँ पे, अबुल फजल इनकलेम में, जो लोग अलशिफा हॉस्पिटल जानते हैं ठीक उसके बाद मिल्ली मॉडल स्कूल है, जमात इस्लामी हिंद को जो लोग जानते हैं उसके कैंपस में मिल्ली मॉडल स्कूल है और उसी का जो ग्राउंड है उसमें ये मेला लगा हुआ है। मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ, बहुत से लोग जमात इस्लामी को नहीं जानते होंगे, हो सकता है, लेकिन अलशिफा ज़रूर जानते होंगे, ऐसे लोग अबुल फजल ज़रूर जानते होंगे। तो अबुल फजल में आइए, आप 3 नंबर की तरफ से आएंगे तो जमात इस्लामी हिंद के कैंपस में घुस जाइए, मिल्ली मॉडल स्कूल में जाइए, वहाँ पर जो ग्राउंड है वहाँ पर ये मेला लगा हुआ है। और जो लोग अलशिफा की तरफ से आएँगे तो ठीक अलशिफा के बाद कैंपस में ये मेला लगा हुआ है। इस मेले में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, एक से एक स्टॉल है जहाँ से आप ख़रीदारी कर सकते हैं, फूड के स्टॉल हैं जहां आप खा पी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, और आप अगर अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं तो छोटे मोटे गेम का भी यहां पे इंतज़ाम है। आज और कल एक बात ध्यान रखिए, सिर्फ 2 दिन तक ये मेला रहेगा, आज और कल। ये मेला सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक रहेगा, जी हां, आज ज़्यादा वक्त गुजर चुका है तो जल्दी जल्दी आप आज ही इंजॉय कर लीजिए, या नहीं आ सके तो कल आइए। एक बात ध्यान रखिए, सिर्फ 2 दिन सैटरडे और संडे को ये मेला रहेगा और रात के 10 बजे ख़त्म हो जाया करेगा। तो आप अपनी फैमिली के साथ आइए, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, जो चीज़ें आप अपनी फैमिली के साथ आकर यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ख़रीदारी भी कर सकते हैं और खाने की बहुत सारी चीज़ें हैं, खाने को भी इंजॉय कर सकते हैं। बड़ा ये बताइए, ये पहली बात तो ये है कि इस तरह की जो चीज़ें ओखले में लग रही है वो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है मुझे, एक्चुअली मैं खुद अभी दिल्ली में न्यूली शिफ्टेड हूँ। तो कहाँ से है? मैं बिहार से हूँ, भागलपुर से हूँ। तो आते ही अंदाजा हो गया आपको स्टॉल लगाने का? हाँ हाँ बिल्कुल। तो वहाँ पहले भी किया था क्या आपने? नहीं नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है, अच्छा। तो ये बिरयानी जो देख रहा हूँ मैं आपकी, स्पेशल तो होगी इंशाल्लाह जरूर, इसका नाम ये है कि अम्मी की बिरयानी, अम्मी क्या? हाँ, एक्चुअली माय मदर हैज बीन वेरी लकी फॉर मी, दैट्स व्हाई इसका नाम मैंने अम्मी बिरयानी रखा है। तो आपका ये बजाबता बिजनेस ही है या फिर अभी यहाँ स्टॉल लगाया? स्टार्टअप है, आज हमारा लॉन्च है। तो आइंदा ये बिजनेस करेंगे आप ये? हाँ इंशाल्लाह। तो कहीं पे शॉप भी लेंगे या ऑनलाइन डिलीवरी? नहीं नहीं, अभी ऑनलाइन है, क्लाउड किचन। हाँ हाँ, अभी तो फिलहाल क्लाउड किचन ही सोच रखा है हमने। अच्छा, ये मेरे हस्बैंड हैं। आई हैव बीन सपोर्टिंग माय वाइफ, शी इज माय वाइफ एंड आई एम इनटू आईटी इंडस्ट्री एंड आई वांट टू सपोर्ट यू नो एम्पावर वुमेन एंड इन दैट केओस यू नो एंड शी हैज 1-year-old kid आल्सो डिस्पाइट दैट ऑल यू नो शी वांटेड टू हैव अ ओन वेंचर एंड आई एम सपोर्टिंग हर एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर स्टैंडिंग फॉर हर। देखिए, कमाल की बात यह है कि दोनों मियाँ बीबी हैं, इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया है, आईटी के हैं, इनका 1 साल का बच्चा भी है, उसके सोचिए कितनी जिम्मेदारी है, बच्चों को भी संभालना है, बिजनेस भी करना है। और मुझे ख़ास बात यह लगी कि इनकी बिरयानी का नाम है अम्मी बिरयानी। ये जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे कहते हैं तालीम के साथ तरबियत होनी चाहिए, तो ये भी एक किस्म की तरबियत है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ख़वातीन कुछ स्टार्टअप लेके आई हैं, ये बहुत बड़ी जो है खुशाइंद चीज़ है जो नज़र आ रही है कि अब ख़वातीन जो है कुछ इस तरह की नई चीज़ें जो है सामने लेके आ रही हैं, हुनर के हवाले से दस्तकारी के यहाँ सामान मौजूद हैं। मैं देख रहा हूँ कि नई नस्ल में जो है एक तिजारत का भी जो है जज्बा पैदा हो रहा है, ये समाजी दीनी मजहबी हर एतबार से एक वो है और मुस्तकबिल के हवाले से एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है। हमारे लिए तो हज़रत खदीजा जो है आइडियल रही हैं, इस्लाम से पहले ही जो है उन्होंने एक अच्छी तिजारत करके एक नमूना पेश किया है और अल्लाह के रसूल से अमानत और सदाकत की बुनियाद पर उनकी जो है दोस्ती हुई और फिर जो है शादी भी हुई। उम्मतुल मोमिनीन में से हैं, एक बावकार चेहरा हमारे पास आइडियल के रूप में है और हमारे लिए एक मिसाली चीज़ हैं वो, और इससे हमें जो है सबक लेने की ज़रूरत है। तो हमारी इस्लाम ने किसी चीज़ से मना नहीं किया है, इस्लाम ने जायज़ हलाल और जो है उसूलों के दायरे में रह करके हर चीज़ की इजाज़त दी है। तो ख़वातीन अगर जो है इस तरह से बापर्दा अगर अपना वो कर सकती हैं तो बड़ी अच्छी चीज़ है, मेरे ख्याल से इसका जो है सपोर्ट होना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, मुस्तकबिल के हवाले से बड़ी ज़रूरत भी है क्योंकि जो महंगाई आ रही है उस हवाले से जो है हम और आपको तैयार रहना होगा। आप जो यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है आपने? जी जी,
तो सिर्फ स्टॉल ही लगाती है या आपका एक कारोबार भी है बाबा? हाँ, हम घर से करते हैं, होम रेस्टोरेंट है हमारा, स्विगी और इससे जोमेटो से कनेक्ट है, दोनों पे है आपका। क्या क्या चीज़ें बनाती हैं आप? बस जो रोल, बिरयानी, फालूदा, पेस्ट्रीज, केक और भी दो तीन आइटम है, ये सैंडविचेस ये सब है, चिकन रोल, पनीर रोल, रोल्स के जो आइटम होते हैं दो तीन तरह के, वेज और नॉन वेज दोनों। और कोई भी काम, इस औरत को कभी भी दो तरह से नहीं सोचा गया, औरत काम कर सकती है लेकिन अपने दायरे में रह के कर सकती है, जो इस्लाम उसको शरिया में जो हमारा दायरा फिक्स है उसके अंदर रह के सब काम कर सकती है, कभी भी वो फ़र्क नहीं किया इस्लाम में। मतलब शुरू से खदीजा रज़ी अल्लाह ताला सबसे बड़ी मिसाल तो हम लोग को वही है, वहीं से हम लोग को वो मिलता है। इसके अलावा भी हम लोगों ने देखा है हिस्ट्री में ये औरतें भी हर काम में और मर्द के साथ साथ हैं, लेकिन वो दायरे के अंदर में रह के सब काम कर सकती है, मना कभी नहीं इस्लाम में कोई चीज़। तो आप यहीं स्टॉल लगाती हैं या कहीं और भी अगर लगते हैं इलाके में कहीं जाती है स्टॉल लगाने? तो ये मेरा थर्ड स्टॉल है ये मरकज़ के अंदर में, इसके अलावा भी एक बार मैं और लगाई हूँ, ज़्यादा नहीं, मैं दूर नहीं जाती हूँ, बस अपने जहाँ पर हमारा लोकेलिटी है अपने हिसाब के लोग हैं वहाँ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं हम लोग। लेकिन जोमेटो स्विगी वगैरह भी आपका परमानेंट है? परमानेंट है भी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या देखिए ये सूट है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ देखिए आप, यहाँ भी सूट है, क्या क्या चीज़ें हैं आपको दिख रही होंगी, इसमें से जो भी चीज़ें आपके मतलब की होंगी अगर आप आएंगे आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको लीजिए। देखिए ये हर तरफ, इधर भी है, देखिए इधर खाने की चीज़ें हैं, ये वाला जो स्पेस है वो खाने के लिए, ये देखिए ये स्पेस जो आप देख रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ क्या क्या लिखा हुआ है, रेट ही बता देता हूँ मैं आपको, ये देखिए राजमा चावल, भेलपूरी, पास्ता और शरबत, देखा आपने ये, तो यहाँ पे खाने की चीज़ें भी हैं, देख लीजिए आप ये, तो आपको ना तो खाने की दिक्कत होगी आपको, और अगर आप यहाँ पे आएंगे ख़रीदारी करना चाहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको हैं तो ख़रीदारी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए एक स्टॉल है, सूट का एक स्टॉल देखिए, यहाँ ख़रीदारी चल रही है, ये वाला देखिए आप, देखा इसी तरह, ये देखिए यहाँ पर नकाब है, ये देखिए ये नकाब देखा आपने, देखिए वुड के बने हुए जो खूबसूरत सामान है वो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये देखिए, देखिए कॉम्ब है, ये बाकी चीज़ें हैं, बैंक भी है, यहाँ स्टिक भी है, मुश्किया का स्टॉल है जहाँ पर आके अबाया, नकाब या दूसरी चीज़ें ले सकते हैं।